राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? शिक्षा विभाग का बड़ा कदम 28 मार्च 2020 की बड़ी खबर आप सभी के लिए लेके आया हूं। स्कूली बच्चे रहे तैयार, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आपकी पढ़ाई। क्या कुछ खबर आई हुई है आज के अखबार में प्रकाशित की गई खबर के हिसाब से आपको देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा लाइक नहीं के तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे रहे तैयार, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आपकी पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के चलते 21 दिनों के लंबे लॉकडाउन से बच्चों में बैठ कर अब उब रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है। 1 अप्रैल से उनकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। हालांकि यह स्कूल में नहीं, घरों में ही लगेगी, जिसे वह टीवी, यूट्यूब चैनल सहित दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से अटेंड कर सकेंगे। साथ ही एक विषय की क्लास अब चलेगी और कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसकी सारी जानकारी स्कूल अपने बच्चों को मोबाइल मैसेज और मेल के माध्यम से देगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिलहाल NCERT, CBSE, NIOS के साथ मिलकर इन पूरी योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके तहत ही देश भर के सभी शैक्षणिक बोर्डों से भी इस पूरे प्लान को अपने से संदर्भ स्कूलों तक तो पहुंचाने के लिए तैयार रहने को कहा है। सरकार की कोशिश है कि घर में बैठे छात्रों को कैसे भी करके पढ़ाने से जोड़ रखा जाए, ताकि स्कूलों में खुलने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ सके। यही वजह है कि इन योजना के तहत छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री पहुँचने को तैयार है, जिसके साथ ही फोन ई इन प्रोग्राम, स्टूडियो क्लास आदि आयोजित की जाएगी। योजना से जुड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सभी स्कूलों को इसे लेकर तैयार करने की कहा गया है। साथ ही फिलहाल शिक्षकों को भी अलर्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, चूकने के बाद भी कर सकेंगे पढ़ाई। आप सभी को बता देता हूँ, जो भी स्कूल में पढ़ना चाहते थे 1 अप्रैल से अब वह पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन यह पढ़ाई ऑनलाइन होगी। बड़ी खबर थी, आप सभी के साथ शेयर करने की उम्मीद करूँगा आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।